गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। कैसे हैं आप सब? चलिए आज अपना हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं ईवीएस का, लेसन 6, डेज टू सेलिब्रेट। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि हम इंडिया में कौन कौन से डे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने का मतलब होता है मनाना, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, ईद मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, न्यू ईयर मनाते हैं। इसी तरह से सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना उसे, ठीक है। तो हम कौन कौन से डेज मनाते हैं इंडिया में, ये हम जानने वाले हैं इस लेसन में। तो ध्यान से देखिएगा इस लेसन को अच्छे से और पूरा देखिएगा। आवर बर्थडे इज द मोस्ट एक्साइटिंग डे ऑफ फॉर अस, ठीक है। हम सभी के लिए हमारा जो बर्थडे होता है बहुत एक्साइटिंग होता है, ठीक है, बहुत उस दिन उत्साहित होते हैं हम सब। हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप अपना बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे लिखिएगा। मेक अ लिस्ट ऑफ गिफ्ट विच यू वॉन्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो चलिए इस बर्थडे पे आपको अपने पेरेंट्स से जो जो गिफ्ट चाहिए वो यहाँ पे मैंशन करिएगा, लिखिएगा। क्लियर, लिख देंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। सेलिब्रेशंस ब्रिंग जॉय इन आवर लाइफ। सेलिब्रेशंस क्या होता है? मनाना, किसी भी त्यौहार को मनाना, उत्साह करना, पर्व मनाना, ठीक है। इन सब से क्या होता है हमारी ज़िंदगी में जॉय, जॉय का मतलब होता है खुशी, खुशी आती है हमारे जीवन में। हम खुश होते हैं, दिवाली पे खुश होते हैं, हम होली पे खुश होते हैं, ठीक है। जब भी कोई त्यौहार आता है हम खुश होते हैं। द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ अ कंट्री आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल। अब देखिए नेशनल फेस्टिवल क्या होते हैं। नेशनल मतलब पूरे देश का, पूरे नेशन का, पूरे देश का। फेस्टिवल्स त्यौहार, तो ऐसे त्यौहार जो कि पूरा देश मनाता है उन्हें कहते हैं नेशनल फेस्टिवल्स। क्लियर हुआ नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं? ऐसे फेस्टिवल्स जो कि पूरा देश मनाए उसे नेशनल फेस्टिवल्स कहा जाता है। दे आर ऑल्सो द डेज ऑफ नेशनल हॉलीडेज। अब देखिए जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं तो इस दिन हॉलीडे भी होता है। हॉलीडे मतलब छुट्टी, पता है आप सभी को हॉलीडे मतलब, हॉलीडे मतलब छुट्टी। तो अब हम जानते हैं कि कौन कौन से नेशनल फेस्टिवल्स हैं हम इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट नेशनल हॉलीडेज, अलग अलग देशों की अलग अलग नेशनल हॉलीडेज होती है, राष्ट्रीय छुट्टी, ठीक है, राष्ट्रीय अवकाश होता है। उसी प्रकार से लेट अस रीड अबाउट द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री। तो चलिए अब हम अपनी अपनी कंट्री के नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा है? रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे क्या होता है आप सभी को पता है, हिंदी में से कहते हैं गणतंत्र दिवस। कब सेलिब्रेट करते हैं इसे? वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी। हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। आपके स्कूल में मनाया जाता है हर साल, ठीक है। अ परेड इज हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। अब देखिए न्यू दिल्ली में आप झांकियां देखते हैं 26 जनवरी को, अगर आप सुबह सुबह टीवी देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगी झांकियां, परेड। कहाँ पर होती है? दिल्ली में होती है, राजपथ पे। राजपथ एक रोड का नाम है, ठीक है, उस पर ये सब लोग चलते हैं और उस पर अलग अलग झांकियां दिखाई जाती हैं। उस रोड के दोनों तरफ लोग बैठे होते हैं बहुत सारे, वहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स भी वहाँ लोग उपस्थित होते हैं। पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स ड्रेस अप इन ब्राइट एंड कलरफुल ड्रेसेस। अब क्या होता है परेड में? अब देखिए पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों से लोग, चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे अलग अलग तरह की पोशाक ड्रेस पहन के आते हैं, डांस करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। दे डांस इन द परेड, ये सभी डांस करते हैं परेड में। द आर्मी, द एयर फोर्स एंड नेवी ऑल्सो टेक पार्ट इन द परेड। अब परेड में और कौन कौन हिस्सा लेता है इन लोगों के अलावा? आर्मी, जो हमारी फौज है देश की, वो भी आती है, उसे मिसाइल्स दिखाए जाते हैं, टैंक दिखाए जाते हैं। एयरफोर्स आती है, एयरफोर्स कौन सी है? जो हमारी वायुसेना है, उनके एरोप्लेन्स जाते हैं ऊपर से उड़ते हुए बिल्कुल। नेवी, नेवी होती है हमारी जल आर्मी, जल
फौज, ठीक है, जो कि समुद्र में हमारी रक्षा करती है, ठीक है, ये सब भी परेड में शामिल होते हैं। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेट इंडिया गेट, और रिपब्लिक डे कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया गेट पे, ठीक है, इंडिया गेट के पास ही है ये राजपथ भी, वहीं पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। देख सकते हैं सामने पिक्चर्स में रिपब्लिक डे की, देख पा रहे हैं, मैं आपको कुछ और पिक्चर्स दिखा देता हूँ रिपब्लिक डे की। देखिए आप सब सामने अपनी स्क्रीन पर झांकियाँ किस तरह की होती है, परेड किस तरह की होती है, आप जो सामने इमेज देख रहे हैं ये देखिए, ये रोड है, इसका नाम राजपथ है, ठीक है, इसके इस तरफ इंडिया गेट है। देखिए रोड के दोनों तरफ लोग बैठे हुए हैं कितने सारे, और बीच में यहाँ पे झांकियाँ निकल रही हैं, आर्मी के लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, डांस करते हुए लोग भी हैं अलग अलग स्टेट्स के। देखिए और देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे हमारा शक्ति प्रदर्शन भी किया जाता है यहाँ पे इंडिया गेट पे, देखिए मिसाइल्स हो गई, तोप हो गई, देखिए कितनी सारी देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, देख पा रहे हैं, और परेड्स भी निकलती हैं अलग अलग स्टेट्स की, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं सामने जल शक्ति पानी बचाओ, इसकी झांकी है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे बहुत सारी झांकियाँ निकलती हैं यहाँ पे। इस बार अगर आपने अभी तक नहीं देखी है कभी, तो इस बार जरूर देखिएगा, 26 जनवरी को सुबह सुबह नेशनल टीवी पे आती है ये, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नेशनल फेस्टिवल कौन सा है हमारा, वो है इंडिपेंडेंस डे, ये भी हमारा एक नेशनल फेस्टिवल है। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम आफ्टर मोर देन 100 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। अब देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश इंडिया फ्रीडम मतलब आज़ाद हुआ था, किससे, फ्रॉम ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों के कानून से, राज से हम लोग आज़ाद हुए थे, और 15 अगस्त के 1947 के बाद से हमारे देश में हमारा ही कानून था, हमारे ऊपर किसी का कोई हुक्म नहीं चलता था। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे, इस दिन को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता, आज़ादी, ठीक है, आज़ादी दिवस। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट। देखिए क्या होता है, जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो होस्ट मतलब फहराना, तो लाल किले पे नेशनल झंडा जो है हमारे देश का उसको फहराते हैं लाल किले पर। आपने देखा होगा अभी 15 अगस्त गई है, टीवी में भी आपने देखा होगा जरूर। रेड फोर्ट कहाँ पर है, रेड फोर्ट ये न्यू दिल्ली। वी ऑल सिंग द नेशनल एंथम, और सभी नेशनल एंथम गाते हैं। आगे बढ़े, अगला नेशनल फेस्टिवल कौन सा है, गांधी जयंती। गांधी जयंती मतलब महात्मा गांधी की बर्थ डेट, जयंती होती है बर्थ, जिस दिन बर्थ हुआ होता है, ठीक है। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर टू मार्क द बर्थडे ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जयंती कब मनाई जाती है, हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है, इस दिन हम मोहनदास करमचंद गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और क्या कहा जाता है इन्हें, द फादर ऑफ द नेशन, ठीक है, इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड बापू एंड पीपल रिमेंबर हिम फॉर हिज मैसेजेस ऑफ पीस। अब इन्हें दूसरा नाम क्या है, इनका बापू के नाम से भी जाना जाता है, और लोग इन्हें याद करते हैं क्यों, मैसेजेस ऑफ पीस, शांत। महात्मा गांधी को लोग क्यों याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को संदेश दिया था कि शांति पूर्वक भी हम किसी से जीत सकते हैं, ठीक है। पीपल ऑफर देयर रिस्पेक्ट एंड फ्लावर्स एट दिस समाधि एट राजघाट। अब देखिए इस दिन लोग महात्मा गांधी जी की समाधि पर, जो कि राजघाट दिल्ली में है, उस पर फूल चढ़ाते हैं, उनको रिस्पेक्ट पूर्वक नमस्कार करते हैं, ठीक है, और प्रे करते हैं।
बापू लेड द फेमस डांडी मार्च टू मेक सॉल्ट ऑन द सी कोस्ट, ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस और अहिंसा। अब देखिए, बापू ने एक फेमस मार्च निकाला था, ठीक है, डांडी मार्च, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि पैदल चल के बहुत सारे किलोमीटर दूर तक पैदल चल के समुद्र के तट पे पहुंच के नमक बनाया था। उस समय पर नमक बनाने की हम लोगों को आज़ादी नहीं थी, ठीक है, नमक सिर्फ ब्रिटिश सरकार ही बना सकती थी और हमें उसी से ख़रीदना पड़ता था, और जो आम लोग हैं जो वहाँ रहते थे वो नमक बना के ख़रीद नहीं सकते थे, ठीक है। इसीलिए बापू ने ये रूल तोड़ा वहाँ पे जाके और वहाँ पे नमक बनाया, इसे डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ही बिलीव इन नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के, बिना दूसरे को मारना पीटना, इसके बिना उस चीज़ में वो विश्वास करते थे कि अगर हमें जीतना है किसी से तो हम बिना उसे लड़े भी जीत सकते हैं, बिना उसको मारे, बिना गोली बंदूक से भी हम जीत सकते हैं, बातचीत करके भी। द इंडियन फ्लैग इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्राई कलर, इंडियन फ्लैग को और क्या कहा जाता है, ट्राई कलर, तिरंगा भी कहा जाता है। अगला है चिल्ड्रंस डे, नेशनल फेस्टिवल अगला कौन सा है, चिल्ड्रंस डे। वी सेलिब्रेट चिल्ड्रंस डे टू मार्क द बर्थडे ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं हर साल 14 नवंबर को, क्यों मनाते हैं, इस दिन हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसको चिल्ड्रंस डे के बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन एंड दे कॉल्ड हिम चाचा नेहरू, उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे और बच्चे उनको क्या बुलाया करते थे, चाचा नेहरू। चाचा नेहरू वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ रोज फ्लावर एंड ही ऑलवेज यूज टू वियर इट ऑन हिज कोट। अब चाचा नेहरू को रोज का जो फूल है, ठीक है, गुलाब का फूल बहुत पसंद था और वो हमेशा अपने कोट पे लगा के उसको रखा करते थे। द डे इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय इन स्कूल, और ये जो चिल्ड्रंस डे है स्कूल में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, आपके स्कूल में मनाया जाता है, स्टॉल्स लगाई जाती हैं, ठीक है, प्रोग्राम्स करे जाते हैं अलग अलग। चलिए अगला कौन सा है, टीचर्स डे, नेक्स्ट इज टीचर्स डे। वी सेलिब्रेट टीचर्स डे टू मार्क द बर्थडे ऑफ डॉक्टर एस डॉट राधा कृष्णन। अब देखिए, हम टीचर्स डे मनाते हैं कब, 5 सितंबर को, परसों टीचर्स डे है, ठीक है, हर साल हम 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं और 5 सितंबर को श्री डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। ही वॉज अ ग्रेट टीचर एंड वॉज ऑल्सो द सेकेंड प्रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री। जो डॉक्टर एस राधा कृष्णन है ये बहुत बड़े टीचर थे, ठीक है, और हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति भी थे। वी विश आवर टीचर्स ऑन दिस डे एंड थैंक देम फॉर देयर लव एंड केयर। इस दिन क्या करते हैं, हम अपने टीचर्स को विश करते हैं, हैप्पी टीचर्स डे विश करते हैं और उन्हें थैंक यू बोलते हैं, जो कि जो भी कुछ उन्होंने हमें सिखाया, हम लोग पढ़ाया और हमारा ध्यान रखा उन सब चीज़ों के लिए। देख सकते हैं आप डॉक्टर एस राधा कृष्णन की यहाँ पे फोटो दे रखी है। चलिए देखते हैं, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एट रेडफोर्ट, रिपब्लिक डे हम रेडफोर्ट पे मनाते हैं, नहीं, रिपब्लिक डे तो हम राजघाट पे मनाते हैं, इंडिया गेट पे। पंडित नेहरू बर्थडे इज अ नेशनल हॉलीडे, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो बर्थडे नेशनल हॉलीडे होता है, बिल्कुल नहीं, हॉलीडे नहीं होती इस दिन। डॉक्टर एच राधा कृष्णन वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर एच राधा कृष्णन इंडिया के पहले प्रेजिडेंट थे, नहीं, सेकेंड प्रेजिडेंट थे वो। महात्मा गांधी इज ऑल्सो फॉन्डली कॉल्ड चाचा, महात्मा गांधी को प्यार से चाचा ही बोला जाता है, बिल्कुल नहीं, उन्हें बापू कहा जाता है। द आर्मी द एयरफोर्स एंड द नेवी परफॉर्म ऑन इंडिपेंडेंस डे, बिल्कुल नहीं, ये सभी रिपब्लिक डे पे परफॉर्मेंस करते हैं। चलिए अब आता है रिलीजियस फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल मतलब धार्मिक त्यौहार। अभी तक जो हमने पढ़े वो थे नेशनल फेस्टिवल, जो कि पूरा देश मनाता है। रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं जो कि एक धर्म के लोग मनाते हैं, जैसे कि दिवाली हो गई, तो दिवाली
हिंदुओं का त्यौहार है तो ज़्यादातर हिंदू के लोग, हिंदू धर्म के लोग इसे मनाते हैं। जैसे ईद मुस्लिम्स का त्यौहार है तो मुस्लिम लोग ज़्यादा मनाते हैं उसे। क्रिसमस क्रिश्चियंस का त्यौहार है तो क्रिश्चियन लोग मनाते हैं उसे ज़्यादा। ठीक है, इन्हें रिलीजियस फेस्टिवल कहते हैं जो कि एक धर्म के लोग ज़्यादा मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली क्या है? रोशनी का त्यौहार है। इस दिन हम रोशनी करते हैं, हर जगह दिए लगाते हैं, कैंडल जलाते हैं, लाइटों की लड़ियाँ लगाते हैं। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम टू अयोध्या। ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन लॉर्ड राम, श्री राम, वनवास खत्म करके अयोध्या वापस आए थे और उस दिन अमावस्या की रात थी और बहुत अच्छा था, इसीलिए लोगों ने, अयोध्या के लोगों ने पूरी जगह पर दिए जलाए थे और उजाला किया था। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज विद दियाज एंड कैंडल्स। अब जो लोग हैं अपने घर को डेकोरेट मतलब सजाना, अपने घरों को सजाते हैं, किससे? दिया लगाते हैं, कैंडल्स लगाते हैं। दे वियर न्यू क्लोथ एंड एक्सचेंज स्वीट्स। अब देखिए, इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और मिठाइयाँ एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं। सम पीपल लाइक टू बर्स्ट क्रैकर्स बट दिस कॉज अ लॉट ऑफ नॉइज एंड एयर पोल्यूशन। अब देखिए, इस फेस्टिवल में कुछ लोग पटाखे छुड़ाते हैं लेकिन इससे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, नॉइज़ बहुत होती है, एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। देयरफॉर वी शुड अवॉइड इट कम्प्लीटली। इसलिए हमें इन सबको अवॉइड करना चाहिए, पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए। क्लियर? चलिए, बाकी के फेस्टिवल्स हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे अपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे हम बाकी के फेस्टिवल। अभी हम दिवाली तक पढ़ लेते हैं, आप बुक में इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप सब अपना अच्छे से ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। जो भी मैंने आज अभी तक पढ़ाया आपको, इसको रीड करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और जो समझ में ना आए उसको समझने की कोशिश करिएगा ध्यान से। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।